स्टार्टिंग में आते हैं, हमारा हॉल है ठीक है, और काफी जबरदस्त यहाँ पे लाइट, हमारा फ्लैट हम देखते हैं वही एमआईजी फ्लैट में हमारा फिर फ्लैट के अंदर फ्लैट दिखाते हैं। जैसे हमारा यूजीएफ 2 है यहाँ, आपका आई होल दे रखा है। तो यार स्टार्टिंग में आते हैं, हमारा हॉल है ठीक है, और काफी जबरदस्त यहाँ पे लाइटिंग हो रखी है पूरे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं डोर दिखाऊंगा आपको। यार ये जो डोर है भाई, काफी जबरदस्त सा डोर यहाँ पे दे रखा है, बहुत बढ़िया से ऐसा पैटर्न बना रखा है, बिल्कुल क्लासी एकदम फिनिश हो रखी है। और यहाँ डोर हैंडल देखो काफी जबरदस्त है। तो भाई पहले तो मैं दिखाऊँ आपको, तो आई होल दे रखा, मतलब यहाँ से आप आराम से बाहर देख सकते हो क्या है कौन है। तो सिक्योरिटी पर्पज से भी काफी अच्छा है। तो भाई एंटर करेंगे, तो एंटर करते पहले तो हमारा हॉल आएगा। हॉल में आपको फॉल सीलिंग दे रखी है भाई, काफी जबरदस्त सा डिजाइन इसका। और यार लाइट में दिखाता हूँ, कितनी सुंदर लग रही है यार, बहुत ही जैसे कहते हैं ना जबरदस्त क्लासी लुक दे रहा है। ये लैम्प बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें, ये फैन आपका दे रखा है बहुत अच्छी क्वालिटी का, और फॉल सीलिंग काफी अच्छा डिजाइन भाई आप बना रखे हैं। हॉल जिसे कह सकते हैं भाई, काफी सुंदर लग रहा है। यहाँ आपके रूम नंबर 1 है, यहाँ पे रूम 2 है, इधर किचन है, ये बाथरूम है, और यहाँ पे एमसी दे रखी है यहाँ पे ठीक। और तो पहले तो भाई वॉल की बात कर लें, तो ये जो वॉल देख रहे हो सामने डिफरेंट कलर वाली, तो यार इसका पैटर्न मैं दिखाता हूँ आपको, काफी सुंदर है यहाँ पे जबरदस्त वाला भाई पैटर्न बना रखा है। और जैसे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। इसके जस्ट ऊपर एक लाइट लगा रखी है यहाँ पे, और फिर ये लैम्प दे रखे काफी अच्छी क्वालिटी में, काफी अच्छी क्वालिटी के आपको लैम्प दे रखे है। और चलते फिर हमारा जो किचन की तरफ चलेंगे भाई, पहले किचन दिखाने वाली वाइट बात यहाँ पे बिल्कुल। तो ये आपका पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर होता है, कितना ज़्यादा प्रिटी सी किचन है। और नीचे आपके यहाँ कैबिनेट दे रखे हैं, ऊपर यहाँ दे रखा है, यह आपका चिमनी के लिए दे रखा है, यहाँ आपकी चिमनी लग जाएगी। और यहाँ आरओ के लिए दे रखी है जगह, यहाँ आपका आरओ आराम से आ जाएगा। ये एक विंडो है भाई बाहर खुलेगी ठीक है, अभी नहीं खोलते इसको। और यहाँ आपका सिंक, ये यहाँ पत्थर लगा रखा है, काफी जबरदस्त है। तो यार देखते हैं पहले इसके आपको दिखा दूँ ड्रॉर्स भाई, काफी अच्छे स्मूथली ओपन हो रही है और अच्छा खासा स्पेशियस है। तो भाई सारा तो नहीं दिखाऊंगा, बट थोड़ा भी दिखाऊंगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा, काफी सारा स्पेस है यार इसके अंदर, बहुत जबरदस्त है यहाँ आपका काफी स्पेस है। ये आप सिंक देख सकते हो, यहाँ पे आपकी टैप लगेगी, अभी लगती बाकी है बस। ये पत्थर भाई काफी अच्छा जबरदस्त फिनिश आ रखे है ना। तो अब चलते हैं ऊपर वाले देख लो, तो ये आपके कैबिनेट दे रखे, इसमें भी बहुत स्पेस है भाई, काफी स्पेस है। किचन भाई जिस हिसाब से है ना, काफी बड़ी किचन है इसकी, MIG फ्लैट इन 2BHK की। और ये व्हाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन भाई बहुत जबरदस्त लग रहा है इसमें। ऊपर आप कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो आप ठीक है, गिरने नहीं वाला, बहुत मजबूत है भाई ये। ये आपको किचन में दे रखी है डिजाइन, सीलिंग पे एक लाइट लगा रखी है, वहां पे आप चाहो तो अपना फैन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। और तो चलते हैं भाई हमारा जो रूम है, तो अब रूम की बात कर लेते हैं। रूम 1 जो है काफी बढ़िया लग रहा है यार यहाँ पे, इसका डोर देख सकते हो भाई, काफी सुंदर डोर है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, वही मजबूती, काफी मजबूत है भाई डोर। तो भाई इसकी बात करें तो ये भी काफी बढ़िया स्पेशियस रूम है, यहाँ वॉल पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है इसमें, और ये फैन देख सकते हो ऊपर फॉल सीलिंग पे भी काफी बढ़िया डिजाइन हो रखा है। तो यार इस पैटर्न की बात कर ले मैं, देखो लाइट ब्लू कलर पे व्हाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, और बहुत ही अच्छा पैटर्न है। सामने आपको एक लैम्प मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया क्लासिक डिजाइन का लैम्प है। ये आपकी प्लेन वॉल, इधर प्लेन वॉल, तो भाई ये विंडो आप देख सकते हो काफी बढ़िया विंडो है, एयर के लिए काफी अच्छी है। नीचे आपका हैवी स्विच दे रखा है, यहाँ आपके 2 स्विच एक्स्ट्रा दे रखे हैं, वहाँ आपके सारे लाइट वाइट के सब स्विचेस दे रखे हैं, और काफी अच्छा डिजाइन है यार इसका, बहुत सही है। फैन आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रखा है, और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे में टाइल लग रहे हैं, बहुत सुंदर डिजाइन की टाइल्स है, और बहुत जबरदस्त लग रहा है यार ये। तो अब सेकंड रूम में चलेंगे भाई, तो सेकंड रूम से पहले मैं आपको इधर का टॉयलेट दिखा दूँ। तो भाई ये टॉयलेट दे रखा है, टॉयलेट पर भी सेम डोर पैटर्न है,
यहाँ पे आपकी जोन सी सीट है, आपके बुकिंग के बाद जो आप ले लोगे इसको, तो सीट उसके बाद लगेगी। आपको इंडियन चाहिए, वेस्टर्न चाहिए, दो जोन सी भी चाहिए वो लग जाएगी, ठीक है। टैप्स वगैरह भी लगना बाकी है इसमें, या नीचे भी आपकी टाइल्स लगी हुई है, और इधर आप देख सकते हो यहाँ टाइल्स है भाई, 3D वाली है ये। अब बहुत ही भाई बढ़िया सा पैटर्न आ रहा है इस पर, ठीक है। ऊपर भी बहुत बढ़िया लगा रखी है। यहाँ पे आपको एक लाइट लगा के मिल जाती है, काफी ब्राइट है, ठीक है, बहुत सही लाइट है। तो भाई हम चलते हैं रूम नंबर 2 में। अभी तक हमने एक रूम, एक वॉशरूम, एक किचन देख लिया, हॉल हमने देख लिया जो बहुत जबरदस्त है हॉल हमारा। तो भाई अब हम चलते हैं रूम नंबर 2 में, वो भी बहुत ही मस्त सा रूम है, ठीक है। तो भाई रूम नंबर 2 दिखाता हूँ मैं आपको अभी। यार ये हमारा रूम नंबर 2 है, इसमें भी वही सेम डोर पैटर्न है, बहुत ही क्लासी लुक आ रहा है इस डोर का। नीचे आपकी भाई टाइल्स लगी हुई है और बहुत सही है भाई, जबरदस्त है। सामने आपके पास यहाँ पिंक और व्हाइट का गेम कॉम्बिनेशन है, व्हाइट कलर की बहुत बढ़िया फ्लावर्स बना रखे हैं। सामने आपको एक लैंप लग रहा है, और सबसे बढ़िया चीज यहाँ का फैन देख सकते हो, और फॉल सीलिंग भाई साहब का डिजाइन बना रहता है ना यार, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त डिजाइन है इसमें। ये आपकी जो है बाथरूम की लाइट है, ठीक। तो बाथरूम की बात करें तो भाई बाथरूम भी काफी बढ़िया बना रखा है यहाँ पे, सेम वही डोर पैटर्न क्लासी वाला, ठीक। और ये आपका भी सीट नहीं लगी है यहाँ पे, क्योंकि भाई अगर जो आपकी पसंद की होगी वही सीट लगने वाली है यहाँ पे। मतलब अगर वेस्टर्न लगवानी वेस्टर्न लगाओ, इंडियन लगानी इंडियन लगवा लो। टाइल्स भाई काफी अच्छे यहाँ पे 3D टाइल्स लगा रखे हैं, ठीक है। ऊपर आपके एक विंडो है, यहाँ पे आपका एक लाइट दे रखी है, ठीक। और काफी जबरदस्त लग रहा है भाई, और इस डोर को आप बंद कर दो और रूम को देखो भाई, काफी सुंदर लग रहा है यार ये पूरा, ठीक है। और इधर आपका डोर है, ये बालकनी का डोर है, तो भाई बालकनी आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये बालकनी है हमारी काफी जबरदस्त थी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वॉल है यहाँ पे, इस पर टाइल लगा रखी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा वुडन फिनिश जैसा लग रहा है, वुडन का काम हो रहा है। ऊपर आपको एक लाइट लगी मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी एक वॉल है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न सा बन रहता है। यहाँ आपका एक हैवी स्विच है, और यहाँ आपका एक पानी का कनेक्शन है, आराम से अगर आपको वॉशिंग मशीन लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। और ठीक ठाक स्पेस है भाई, काफी अच्छा स्पेस है आपने देखा है। यहाँ आपको सामने एक स्टेनलेस स्टील की बहुत बढ़िया ग्रिल मिल जाएगी भाई, काफी मजबूत है, जल्दी नहीं खराब होने वाली है, ठीक है। और सामने आप देख सकते हो और भी लोग रहते हैं भाई, काफी अच्छी यहाँ पे रिहाइश है, ठीक है। और अभी बाहर की शायद लाइटें बंद है, तो जो भी है, और यहाँ पे काफी बढ़िया हो रखा है, सामने भी घर बने हुए हैं। और इसका भी डोर देख सकते हो भाई, वही पैटर्न के साथ काफी जबरदस्त है। फ्लैट तो हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं भाई, सर से बात करते हैं कि भाई क्या क्या मिलने वाला है हमें इस फ्लैट के साथ, कैसा कैसा मिलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, कैसे कैसे मिलने वाले हैं, सब देखते हैं, चलते हैं फिर, ठीक है। तो सर से बात करते हैं। तो हमारे साथ है मोहित जी। मोहित जी कैसे हो, फिर से हमारी वीडियो में आके हाथ सैनिटाइज कर लें, फिर कमेंट में मत बोलना कोरोना में हाथ मिला रहे हो। तो मोहित जी हमारे साथ दोबारा से हमारी वीडियो में, और मोहित जी कैसे हैं, बहुत दिन बाद मिले आपसे। तो मोहित जी पहली बात तो हमने जो फ्लैट देखा, बहुत ही यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बहुत जबरदस्त सा फ्लैट है जी। तो पहली सबसे बात तो ये कितना, मतलब हॉल वॉल का एरिया कितना है इसका? सर रूम का जो इसका साइज है 10x12 का साइज है इसका। अच्छा, जो एक ड्राइंग रूम है आप देख सकते हो काफी बड़ा है, 12x12 का काफी बड़ा ड्राइंग रूम यहाँ मिल जाएगा आराम से, चाहे तो डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ हम सारा लाइट फैन स्विचिंग और सब कुछ लगा देते हैं इसके साथ, और लैंप वगैरह झूमर वगैरह के साथ में। हाँ वो मैंने दिखाया, काफी बढ़िया झूमर है, बाकी सीट वगैरह इंग्लिश सिस्टम से तो सब कुछ कंप्लीट करके देंगे हम इसको। अच्छा, अगर हमारी चॉइस है हम कोई सी भी सीट लगवा सकते हैं जी, कोई सी भी, दोनों लगा के देंगे, एक में इंग्लिश एक में हिंदी। अच्छा, आप दोनों लगा के देंगे। अच्छा अच्छा सर, यहाँ पे और क्या क्या मिल रहा है हमें साथ में? आरओ चिमनी भी है क्या? आरओ चिमनी। अच्छा, मॉड्यूलर किचन, फैन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। अच्छा सर, पार्किंग भी मिलेगी क्या? पार्किंग है नीचे। अच्छा, टू व्हीलर पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग साथ में है। अच्छा, काफी बढ़िया है, मेन लोकेशन है। अच्छा सर, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा? नियर मेट्रो स्टेशन दो है, एक CBR है जो यहाँ से 200-250 किलोमीटर है, अजूरी है वो, अभी कंस्ट्रक्शन है दो मेट्रो। अच्छा, तो सर दिल्ली से कितना दूर रहेगा? दिल्ली से 1.5 किलोमीटर है।
हाफ किलोमीटर तो मतलब जीरो ही माने जीरो किलोमीटर दिल्ली से मतलब बिल्कुल बाहर निकलते दिल्ली है यहाँ से और सर नियरेस्ट हाईवे बताएंगे सर हाईवे हमारा जो आधे किलोमीटर के अंदर अंदर है मतलब काफी अब सर बहुत ही जबरदस्त सवाल जो सबके लिए हाथ में आ रहा होगा इस टाइम सब मतलब काफी ज्यादा बेचैन होने वाले हैं तो भाई सबसे पहले यार इस लग्जूरियस फ्लैट का जो है सबसे पहले सर मुझे प्राइस बता दो सर इसका प्राइस कितना होगा सर इसका तो हमने प्राइस रखा है 19 लाख रुपए प्राइस 19 लाख रुपए लग्जूरियस फ्लैट के लिए जी। तो काफी बहुत कुछ जैसे हम देख सकते हैं काफी कुछ है भाई इसके साथ इसके लिए 19 लाख तो मुझे कम लग रहा है बट काफी मतलब बहुत ही सही प्राइस है अच्छा सर कई लोग इसमें भी सर नेगोशिएट करते हैं क्या नेगोशिएबल प्राइस है ये मतलब प्राइस में नेगोशिएबल है भाई 19 लाख इतना कम प्लस प्राइस नेगोशिएबल भाई काफी जबरदस्त होने वाला है यहाँ पे तो आप जल्दी से आओ तो फिर ठीक है मोहित जी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्लैट के साथ यार फ्लैट देख लिया प्राइस देख लिया 19 लाख रुपए प्राइस नेगोशिएबल प्राइस है इतनी सारी चीजें आ रही चिमनी लाइट है पंखे और इतने बढ़िया बढ़िया लग्जरियस लैंप आपको मिलने वाले हैं इसके साथ बहुत जबरदस्त भाई फ्लैट है तो एक हाथ से जानना नहीं चाहिए भाई किसी के लिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो चाहे वो आके दे सकता है इसे ठीक है भाई नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोहित जी का नंबर साथ में डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में आपको सबके नंबर मिलेंगे सब लोग कमेंट में नंबर मांगते रहते हैं भाई नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लोकेशन वहाँ पर डाल रखी है गूगल लोकेशन भी मैं डाल दूंगा अब आप सीधा लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोकेशन पे डायरेक्शन दबाना और सीधा आ जाना ठीक है तो भाई आओ और अपना फ्लैट लो यहाँ पे बुक करो और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं बताना भूल गया पूछने भूल गया कि भाई यहाँ पे जो है लोन की फैसिलिटी की है 80-85% तक लोन आपको मिल जाएगा ठीक है और इसमें भी आपको 2,67,000 की सब्सिडी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो भाई बहुत ही सही डील है हाथ से जिसके गई भाई तो उसकी किस्मत ही खराब है तो आके इसे बस लेना बनता ही है तो फटाफट से कॉल कर लो और कॉल नहीं करोगे तो डायरेक्ट आ ही जाओ ठीक है मोस्ट वेलकम सबके लिए मोहित जी यहाँ पे रहेंगे बोल देना मान जी एक्सप्लोर का चैनल देख के आए हो तो ठीक है भाई थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कर देना कमेंट कर देना सब्सक्राइब कर देना ठीक है फिर तो बाय।